बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा। हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक और अच्छे हैं। रिदम से नाम। कैसे आप सब? कैसे आप सब? थोड़ा सा सैड है रिदु, थोड़ा सा नाराज है। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के और एक ब्लॉग वीडियो में। आप सभी को सबसे पहले हम आज का मौसम दिखाते हैं। मौसम की बात करें तो आज बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब है और बादल से पूरा आसमान ढका हुआ है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो कहीं धूप है, कहीं बारिश हो रही है। यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। अभी दिखाते हैं मौसम। आज जो है हम लोग यहाँ पर पानी दे रहे हैं। ये बगीचे का जो बाग का लास्ट हिस्सा है नीचे की तरफ, नदी की तरफ, तो आज जो है हम यहाँ पर पूरा पानी ख़त्म कर देंगे दे के। तो आज जो है हम यहाँ पर लगे हुए हैं और कल सुबह फिर से हमें पानी स्टार्ट करना पड़ेगा ऊपर टॉप से, यानी स्टेप से देना पड़ेगा पानी। तो आज ये ख़त्म हो जाएगा शाम तक। तो आज जो है हम शाम को धान निकालने भी जाएंगे, तो अभी जो है काम कर लेते हैं। तो मिलते रहेंगे आप सभी से। हस्बैंड जी यहाँ पे पानी देंगे और रिदम और मैं जो है पूरे खेत पे सेब इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आजकल यहाँ पे बहुत जोरों से हवा चलती है। काफ़ी हवा चलने के कारण बहुत सारे सेब गिर रहे हैं, तो रिदम और हम जाते हैं और सेब इकट्ठा करके लाते हैं। तो सेब हमने उठा दिया है रिदम और मैंने, काफ़ी सारे सेब गिरे हुए हैं बाग पे और अभी भी बाकी सेब हमने नहीं उठाया है क्योंकि हमारी पार्टी भर गई थी और हमारा लंच बनाने का टाइम भी हो रहा है। तो सबसे पहले इसको हम यही पानी पे धोकर बाल्टी पे रखेंगे और लंच के बाद या शाम के टाइम पे इसको हम काट लेंगे। सेब भी मैंने धो दिए हैं। अब हम जा रहे हैं दीदम और मैं घर की तरफ खाना बनाने, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया है। दिन के अभी 12 बज रहे हैं, तो हस्बैंड जी अभी नहीं आएंगे घर। जब मैं खाना बनाऊंगी तब आएंगे हस्बैंड जी खाना खाने। तो दोस्तों लंच का टाइम हो चुका है, अभी भी काफ़ी जो है पेड़ बच चुके हैं पानी देने के लिए। तो चलते हैं लंच करने, लंच करके आते हैं फिर करेंगे काम। तो आज जो है पानी बहुत ही कम है दोस्तों। ऊपर जो है जो हमारे बाग के साथ में एक छोटा सा बाग है ना, तो वो आए हुए हैं आज पानी देने के लिए। तो मेन पाइप जो है उनके पास है। आलू भी अब बिल्कुल सूख गए हैं, तैयार हो चुके हैं, तो एक दिन अब इसे भी खोदेंगे, पूरा खोद देंगे हम सर्दी के लिए। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं घर पे लंच करने के लिए। तो पूजा ने जो है चावल बना दिए हैं, आलू की सब्जी, और आलू पकने को बहुत ही टाइम लगता है, अभी तक जो है आलू नहीं पका है, चावल बन गया है। तो ठीक है दोस्तों लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद मिलेंगे आप सभी से। तो दोस्तों खाना पीना खा के जो है थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया हम लोगों ने, अब चलते हैं वापस काम की तरफ। पूजा जो है वहाँ पर अब सेब काटेंगे, तो मैं जो है पानी दूंगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों काम पे जो है लगे हुए थे हम लोग, तो अब जो है मालिक का कॉल आया है, तो उन्होंने जो है आज मटर तोड़े हैं, तो मटर की बोरियाँ सिलने के लिए जो है पार बुला रहे हैं। तो मालिक खुद भी कर सकते थे लेकिन वो जो है अभी कहीं काम पे बिजी है, तो उन्होंने अभी कॉल करके बुलाया हमें पार, तो जाना पड़ेगा अभी पार। तो दिन में जो मैंने इकट्ठे किए थे बाल्टी पे वो सेब खत्म हो गए थे, फिर से हम जो है स्टेप से इतने सेब लेकर आए हैं और छील के, बहुत ही मुश्किल होता है छीलने को, फिर अंदर के जो है इसके बीज को निकाल के फिर से इसको फिर से काट के दो दो हिस्से पे कटिंग करके फिर सुखाना फिर उठाना। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, पूजा जो है घर पर ही है, तो पूजा जो है पार घर पे काम करेगी थोड़ा बहुत जो काम है, और उसके बाद जो है शाम का खाना भी बनाना पड़ेगा। अगर दोनों आ जाते तो काफ़ी मुश्किल था। तो आज हमने दाने भी निकालने थे, वो नहीं बची का है, तो दाने आज निकालेंगे नहीं, टाइम नहीं बचेगा। तो
तो देखिए मैं पहुंच चुका हूं यहां नीचे, ये देख सकते हैं आप, ये सभी जो है मटर लगाए हुए हैं, वहां पर लगे हुए हैं लोग, तो वहां जाऊंगा मैं मटर की बोरियां सिलने। यहां पर भी है, देखिए यहाँ पर रखा गया है मटर। अब यहाँ पर ट्रक आएगा और यहाँ से जो है ट्रक में ले जाएंगे, वेट करेंगे फिर ले जाएंगे। और यहाँ पर गाड़ियाँ धो रहे हैं, टूरिस्ट की गाड़ी। चौदह से पंद्रह बोरियाँ थी मटर की, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे वहाँ पे बोरियाँ सिलने में। आते आते जो है यहाँ पर हमारी साली जी मिली, तो उन्होंने जो है मुझे ये पुदीना दिया है लगाने के लिए। तो पिछली बार भी ले गए थे पुदीने का पौधा ना, तो वो तो हुआ नहीं, बिल्कुल भी सूख गया वो। तो आज जो है पूरा जड़ के समेत ही दिया है, पिछली बार जड़ नहीं थी ना। तो ले जाते हैं घर, देखते हैं लगा के होता है कि नहीं, लगेगा होगा। तो चटनी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये, तो बहुत अच्छा लगता है चटनी में डाल के खाने के लिए। तो दोस्तों इस तरफ आए हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें जाली साफ कर दिया जाए। तो हमारी जो ओवरफ्लो की जाली है उसमें कुछ कचरा फंस गया है, तो चलते हैं जाली साफ करते हैं। पूरा भर गया है इसमें कचरा, अब इसे साफ करेंगे। यहाँ पे है जाली। पानी जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बर्फ़ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा। बिल्कुल प्रेशर बन रहा है ना, तो जाली भी जो है बिल्कुल पिचक गई है। बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा आतिशून हो गया मेरा। तो ठीक है दोस्तों, सुबह आके करूँगा अच्छे से ना। तो मेन पाइप जो है नीचे की वो भी साफ करनी पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों घर की तरफ, टाइम काफी हो गया है, पूजा और रिदम आए हैं लेने के लिए। चलो। तो हस्बैंड जी से मैंने पुदीना मंगवाया था, बहन को बोला कि अच्छे से देना, तो मैंने इसको लगाना है। तो पिछली बार लाई थी वो वाला पुदीना लगा ही नहीं, सूख गया, तो अभी फिर इसको अच्छे से लगा देती हूँ। तो दोस्तों जैसे हम घर पहुँचे वैसे मैंने पुदीना लगा दिया है, तो जो पिछला पुदीना था जो सूख गया था उसको निकाल दिया हमने। तो देखिए मैंने पुदीना लगा दिया है, एकदम पानी डाल रहे हैं। रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे, और जब भी चटनी खाने का मन करेगा थोड़ा सा तोड़ेंगे, बस खा लेंगे बना के ना। और इसको हम पार भी ले जाएंगे, जब गांव जाएंगे ना यहाँ से रहने के लिए, तो गांव भी ले जाएंगे ना। सर्दी गर्मी बस इसी डब्बे में रखेंगे इसको। हाँ जी, तो फिर बताना डब्बे पे पुदीना होता है कि नहीं, तो इसको बाहर रखना चाहिए कि घर के अंदर। पहले जब मैंने लगाया था तो घर के अंदर ही रखा था, और सुबह सुबह थोड़ा सा धूप दिखाती थी फिर से अंदर ले जाती थी, तो मुझे नहीं पता है। तो आप सभी ने मुझे बताना ना कमेंट बॉक्स पे जरूर। तो सबसे पहले बनाऊंगी मैं हस्बैंड जी के लिए काला चाय, फिर उसके बाद करूंगी मैं खाना बनाने की शुरू। आज खाने पे बनाऊंगी मैं आलू शिमला मिर्च। तो जलाती हूँ सबसे पहले आग, फिर बनाती हूँ चाय। तो दोस्तों बन चुकी है चाय। चाय तो वैसे मेरा काला बन गया था, काला चाय बना रहे थे, फिर चाय भी बन के तैयार हो गया था, ढाली रही थी। उतने को आंटी जी आए, आज संडे है तो आंटी जी बाग पे पानी देने आए थे, तो बोला कि थोड़ा सा दूध बच गया है और आप लोग चाय बना के पी लो।
फिर काला चाय का मैंने दूध डाल के दूध वाला चाय बना दिया है। तो पीते हम चाय, फिर करते हैं हम खाना बनाने की तैयारी। तो चावल मेरा सिटी लग रहा है चूल्हे पे, और तब तक चावल पकने तक जो है मैंने सब्जी भी काट दी है देखिए, और प्याज और मसाला भी बना दिया है, टमाटर काटने को है। तो बना लेती हूँ खाना फटाफट, फिर मिलते हैं आप सभी से। कार्टून देखने में बिजी है दोस्तों। खाना बन चुका है, एकदम रेडी कर दिया है पूजा ने। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, 10 बज रहे ना। तो रिदम जो है सो गया है, थोड़ा सा खाना खाया उसने है ना, और सो गया। और पूजा जो है मेहंदी लगा रही है अभी, आज जो तीज है ना। हाँ जी, तो ऐसे लगा रही हूँ, मुझे मेहंदी लगाने तो नहीं आती, फोन से देख रही थी मैं। ऐसे मेहंदी लगाने पे, ऐसे किसी भी काम पे जो मैं बहुत ही ढीली हूँ, मुझे नहीं आती मेहंदी लगाने। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, मुझे कुछ भी ड्राइंग बनाने नहीं आता है। तो फोन से देख रही थी, मुझे आ ही नहीं रहा था। अब मैं बंद करती हूँ, नहीं लगाऊंगी, खाना खाने के बाद देखूंगी। ये दो उंगली रह गई है, आज तीज है ना तब लगाऊंगी। बहने वगैरह सब ने लगाया, फोन किया था, और मुझे तो पता भी नहीं था कि आज तीज है। तो हालात कुछ ऐसे हो गए थे हमारे, तो हम मसीह जी को मानते हैं, तो हम क्रिश्चियन हैं, हम तीज तो नहीं मनाते, फिर भी हम भूल गए थे। तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी तीज की शुभकामनाएं है। खाते अब खाना, दिखाती हूँ क्या बनाया खाने पे। तो इसमें बनाया मैंने सब्जी, देखिए ये मैंने बनाया आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और पुदीने की चटनी मुझे बहुत पसंद है, और इस पे चावल बनाया है। तो हम खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों खाना पीना भी हो चुका है, टाइम भी बहुत हो चुका है। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।